हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो ये वीडियो है, डिजिटल टाइमर स्विच के ऊपर। सो ये डिजिटल टाइमर स्विच कहाँ पे यूज होता है? जहां पे आपको मान लीजिए कोई डिफरेंट सीक्वेंस में या रिकरेंस बेसिस पे आपको कोई अप्लायंसेस चलाना हो। फॉर एग्जांपल स्ट्रीट लैम्प, स्ट्रीट लाइट्स, हम जानते हैं कि हर रोज एक पर्टिकुलर टाइम पे स्विच ऑन होता है ऑटोमेटिकली, एंड वो एक पर्टिकुलर टाइम में स्विच ऑफ भी होता है। तो ऐसे काफी सारा एप्लीकेशंस है जहां पे डिजिटल टाइमर स्विच का यूज होता है, जहां पे आप एक पर्टिकुलर डे इन द वीक और डिफरेंट टाइम्स ये आप सेट कर सकते हैं उसी टाइमर स्विच में, एंड बेस्ड ऑन दैट प्रोग्रामिंग वो स्विच अपने अप्लायंसेस को ऑपरेट करता है, स्विच ऑन करता है, स्विच ऑफ करता है। तो एज अ बिगिनर, जब मैं एक प्रोजेक्ट के लिए अभी फिलहाल डिजिटल टाइमर स्विच यूज किया, एक प्रोजेक्ट के लिए, वो सोलर बेस्ड था, बट डिजिटल टाइमर स्विच को जब मैं इंस्टॉल कर रहा था या जो भी कुछ मैंने बाकी यूट्यूब वीडियो से भी देखा सीखा, तो उसमें कुछ कुछ चीजों में एज अ बिगिनर मुझे थोड़ा दिक्कत आई है। तो कुछ कुछ डिफिकल्टीज मुझे वहां पे फेस करना पड़ा टू प्रॉपरली यूज द डिजिटल टाइमर स्विच। तो वो जो चीजें मैंने खुद हाथों से जब मैं कर रहा था मेरा प्रोजेक्ट, उस टाइम मैंने सीखा हूं, सो आई थॉट दैट आई शुड शेयर दोज स्मॉल स्मॉल टिप्स। सो मैंने सोचा कि वो जो छोटा छोटा टिप्स है, जो छोटे छोटे जो सोल्यूशंस आई कुड फाइंड आउट वाइल डूइंग माई प्रोजेक्ट, सो मैंने सोचा कि उसको क्यों ना शेयर किया जाए, एक उससे एक वीडियो बनाया जाए, ताकि उससे काफी सारे लोगों को जो फर्स्ट टाइम डिजिटल टाइमर स्विच यूज करने जा रहे हैं उनको काफी फायदा हो सकता है। सो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। Thank you.
प्रोग्रामिंग के टाइम एक बहुत जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ध्यान में रखना पड़ता है वो क्या है कि जो सीक्वेंस है, जैसे मान लीजिए आपके पास टाइमिंग का 3 टाइमिंग का सीक्वेंस है, आपको टाइमर स्विच को 3 बार ऑन ऑफ करवाना है पूरे दिन में। तो फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास अगर 3 टाइमिंग ऐसा है कि सुबह 7 बजे, देन सुबह 8 बजे, देन सुबह 9 बजे, देन ऑलवेज जो आप प्रोग्रामिंग करेंगे जो time 1, time 2, time 3 उसमें जो टाइम पहले है उसको पहले ही रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 7 AM, 8 AM, 9 AM ये प्रॉपर सीक्वेंस में रखना पड़ेगा। इन केस मान लीजिए अगर आपका जंबल होता है, आप मान लो कि 8 AM वाला आप प्रोग्राम 1 में डाल दिए, देन प्रोग्राम 2 में आप 7 AM वाला डाल रहे हो जो बाद का टाइम पहले का टाइम है, इन दैट केस क्या होता है, पहले वाला प्रोग्राम रन कर जाता है, जो प्रोग्राम 2 होता है, जो सीक्वेंस 2 होता है उस टाइम में वो स्विच काम नहीं करता है। ये मैं प्रैक्टिकली मेरे साथ हुआ था जब मैं ट्राई कर रहा था। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप एक प्लेन पेपर में एक चार्ट बना लो अपना, वो पेपर में अपना टाइमिंग time 1, time 2, time 3 जो उसका ऑन एंड ऑफ जो उसका टाइमिंग्स है वो प्रॉपरली एक चार्ट में बना के देन उसके हिसाब से आप टाइमर स्विच में आप टाइमिंग्स फिट करो। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन मार्केट में काफी सारे टाइमर स्विचेस अवेलेबल है, तो मोटा मोटी इसका प्राइस रेंज 500-550 to 700 के अंदर ही होता है, काफी सारा ब्रांड्स है, काफी है। इसमें एक चीज आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें काफी फेक और डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी मिलते हैं, क्योंकि फ्रंटियर एक अच्छे कंपनी है, पायनियर कंपनी है जो टाइमर स्विचेस बनाते हैं। L&T भी है इंडिया में, तो उसका भी थोड़ा महंगा आता है, बट ये सब जो है ये फेक कॉपीज है, तो उसका एक आइडेंटिफिकेशन है जो मैं नेक्स्ट वाले एक स्क्रीन में आपको दे दूंगा। तो जब आप परचेस करोगे तो उस चीज को ध्यान में रखना। एंड जो मैंने देखा है कि ये बहुत ही सिंपल टेक्नोलॉजी है, एक डिजिटल क्लॉक होता है जो एक रिले स्विच को ऑपरेट कराता है। सो बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी कुछ है नहीं, तो इसमें आप कोई भी चीपर जो स्विचेस है उसको भी काफी आसानी से आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो।